हमारा क्या काम कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क के पोस्ट पे, तो सैलरी जो बनता है वही बना रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी हम हैं समस्तीपुर में ही, और जैसे कि आप सभी को पता होगा, पूछ रहे थे कि कहाँ हैं, तो अभी समस्तीपुर में हैं और कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, बीच में अलग बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और हमारा ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा था। और फाइनली जो है फर्स्ट सैलरी हमारा आ चुका है, वो भी नहीं दिखाए आप लोगों को, वो भी दिखाएंगे। बाकी जूनियर क्लर्क का क्या काम रहता है उस सब पे भी जितना भी वीडियो होगा, जूनियर क्लर्क का काम, ठीक है, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से उसका एग्जामिनेशन का क्या 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 प्रोसेस है उसके बारे में, लाइफ स्टाइल और उसका सैलरी, इस सब पे वीडियो बनेगा। ठीक है, बाकी अभी जो है और बाकी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो सभी आप कमेंट करके इस वीडियो में बताइए। ठीक है, और अभी हम समस्तीपुर में पोस्टेड हैं, यहाँ पे वर्कशॉप में, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट मिला है और काम जो है ठीक है, और ड्यूटी आवर्स में ही काम करना होता, बाकी सब ठीक है। और अभी हमारा क्या काम कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क के पोस्ट पे, तो सैलरी जो बनता है वही बना रहे हैं। ठीक है, लगभग वर्कशॉप में 600 एम्प्लॉय है, जिसमें अलग अलग बिल यूनिट का है, तो उसमें से कुछ बिल यूनिट का सैलरी बनाने का काम सीख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये चीज़ है, सीख रहे हैं मतलब काम भी कर रहे हैं साथ में, कर कर के सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग चल रहा है। जूनियर क्लर्क के पोस्ट का या सीनियर क्लर्क के पोस्ट का ट्रेनिंग नहीं होता, वो सीख कर कर के ही सीखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, एंड पहला सैलरी आ चुका था इस मंथ के लास्ट में, और उस जो सैलरी आया था वो हम लोग खुद बनाए थे। ठीक है, और पहला सैलरी आया था कितना, 23,000 कुछ था। ठीक है, और आज 4 तारीख हो गया, यहाँ पे ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, डेली ड्यूटी करो, और इसके बाद 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी रहता है, इसका फिर आके रूम पे ही रहते हैं। अभी हम जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, इसके नीचे में, एंड छत पे आए थे, तो सोचे बहुत दिन हो गया, एक बार वीडियो बनाते हैं। और जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग मतलब एक कम्युनिटी हम डाले थे, जिसमें कि आप लोगों से पूछे थे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, ब्लॉग देखना या फिर एजुकेशनल में इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना है, जॉब रिलेटेड या रेलवे रिलेटेड। तो बहुत सारा जो था, बहुत सारे जो लोग हमसे जुड़े हैं वो रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, जो हम सीखते हैं, जो जानते हैं अभी, और पर्सनल डिपार्टमेंट में हम चूंकि ज्वाइन किए हैं, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हम जान रहे हैं। ठीक है, जो ट्रैक में रहते हुए हम वो चीज़ नहीं जान पाते थे, जैसे कि किसी का किस तरह से कोई टिकट कन्फर्म करा सकते हैं, वो हमको पता नहीं था, हम किसी का आज तक करवाए नहीं थे, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट में आने के बाद हमको पता चला, चूंकि ऑफिसर सब APO और APO सर हैं, तो मतलब साथ में रहते हैं हम लोग, साथ में रहते हैं तो APO सर से ही काम होता है हम लोगों का, तो जो है मतलब पता चला ये सब सारी चीज़ें कि किस तरह से किसी का इमरजेंसी कोटा लगता है और उसका कंफर्म टिकट करा सकते हैं, ये एक चीज़ हुआ। इसके अलावा किस तरह से किसी का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, प्रमोशन किस तरह से होता है, किस किस हिसाब से जो है उसका सैलरी बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने को मिल रहा है। और भी बहुत कुछ है पर्सनल डिपार्टमेंट में, मतलब जितना भी रेलवे एम्प्लॉय का कोई भी काम है वो चीज़ उसमें होता है, तो वो चीज़ ही कर रहे हैं और उस चीज़ सीख रहे हैं, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सोच रहे हैं कि इसी टाइप का वीडियो, और बाकी जो स्टूडेंट हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको गाइड करेंगे किस तरह से पढ़ना है, यही सब बनाएंगे, क्योंकि ये है कि अगर हम आधा घंटा भी फ्री हैं तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो वो हम बना के आराम से डाल सकते हैं वीडियो, आधा घंटा भी फ्री हैं, क्योंकि जब ऑफिस में रहते हैं तो एक मिनट भी हमारा जो फ़ोन, हम पहले कितना 6-7 घंटा 8 घंटा लगभग चलाते थे, एवरेज 6 से 8 के बीच में रहता था, अभी फ़ोन इतना कम चलाते हैं, लगभग 4 घंटा, वो भी सुबह में 1-1.5 घंटा चला लिया, बाकी का टाइम आने के बाद ही, ड्यूटी का आवर्स में या दिन में तो मतलब 8 से लेके 5 बजे के बीच में समझिए 15 मिनट भी नहीं चलता हमारा फ़ोन, ऐसा कुछ सीन है फिलहाल।
तो इसीलिए जो है टाइम नहीं बच पाता है। तो जितना भी टाइम बचता है उसमें हम इस तरह का वीडियो ही बना सकते हैं, बाद जिसमें हम आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। और चाहे वो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत हो होता हो, ठीक है, और उसमें उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज लेना हो तो आप कॉमेंट कीजिए, या फिर कोई रेलवे का कोई पर्सनल डिपार्टमेंट का काम हो तो वो उसके लिए आप कॉमेंट कीजिए, आपका आपके लिए उस पर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा और उस पर बना देंगे उतना 1-2 घंटे के। क्योंकि क्या होता है कि सुबह में 2 घंटा हम फ्री हैं, शाम में मतलब अंधेरा होने से पहले फ्री हैं। अंधेरा होने के बाद रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि बैठ के वीडियो बनाने के लिए आप पंखा भी बंद करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है रूम में। अभी छत पर आए तो अभी ठंडा है, इसीलिए थोड़ा बोल पा रहे हैं, अब पसीना से भींगे रहेंगे उसमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इसीलिए अभी दिन के टाइम में ही जब उजाला है जब तक तब तक हम बना सकते हैं वीडियो। तो आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी चीज़ का पूछना हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बनाएंगे।